तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले ठीक है, एक मैं तुम्हें बहुत ही सीरियस चीज़ बताने वाला हूँ। तो भाई मजाक से हटके, ये जो आज की वीडियो है ये मैंने शूट की थी अप्रॉक्सीमेटली सितंबर एंड में, ठीक है। अब ये मत पूछना कि मैं ये सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाद उठा रहा हूँ, बट द पॉइंट इज कि मैं अभी आज शॉपिंग पे गया था, तो मैंने सोचा शॉपिंग का ब्लॉग बनाता हूँ। एंड इन दैट मीन वाइल मैंने ये सोचा कि भाई मेरे पास पुराना जो फोन था 12 प्रो, उसमें बहुत सारी वीडियोस थी जिसका पूरा आईक्लाउड बैकअप नहीं हुआ था, ठीक है, बट वो मेरे लैपटॉप पर स्टोर थी। तो मैंने आके वीडियो एडिट कर रहा था कोई, और मैंने लैपटॉप पर देखा कि भाई लैपटॉप पर कुछ पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उसमें टीवी की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो पड़ी हुई थी जिसके बारे में बिल्कुल भूल चुका था मैं, और ये आज की वीडियो पड़ी हुई थी। सो आई डोंट नो व्हाट टू से, पुरानी वीडियो है बट तुम लोगों के लिए एक नई वीडियो होगी। सो एंजॉय दिस वीडियो एंड मैं बात करता हूँ तुमसे इस वीडियो के एंड में, सो लेट मी नो हाउ यू फाउंड इट। सो गाइस वेलकम बैक टू एटी व्लॉग्स। आज मैं भाई बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं आई थिंक ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल से PS5 ट्रैक कर रहा हूँ कि भाई कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। अभी तक कोई सक्सेस नहीं था मेरा, ठीक है। तो मैंने JB Hi-Fi पे ट्राई किया, मैंने EB Games पे ट्राई किया, मैंने मतलब हर कंप्यूटर स्टोर में ट्राई किया जो गेम्स रखता है। सबसे पूछा भाई PS5 का स्टॉक कब आएगा, स्टॉक कब आएगा, बट भाई किसी के पास स्टॉक नहीं था, ठीक है। बट आज बड़ी मुश्किल से मैंने अपने 3-4 हफ्ते पहले एक फ्रेंड से बात की थी, शी वर्क्स एट JB Hi-Fi, ठीक है। तो उसने मुझे कहा था कि जैसे कोई स्टॉक आएगा ना, आई विल गिव यू सम इनसाइड न्यूज, तुम उसी टाइम ऑन द स्पॉट स्टोर आ जाना, पेमेंट कर जाना और ले जाना, हो सकता है तुम्हें $50-60 एक्स्ट्रा पड़े, बट इट इज वर्थ इट। तो विद दिस PS5 स्टॉक यार हुआ क्या था कि PS5 का स्टॉक ना कभी वर्ल्ड में इतना ज्यादा आया ही नहीं था, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज्यादा लोग मतलब महीनों की वेटिंग में थे कि भाई स्टॉक आएगा तो हम लेंगे। मतलब ऐसा था कि 100 बंदे लाइन में लगे हुए हैं और सिर्फ 15 बंदों को मिल रहा था, ऐसा इतनी ज्यादा स्कैरसिटी थी। एंड एक लॉट आया और नेक्स्ट लॉट उसके 3-4-5-6 महीने बाद आ रहा था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसके अंदर से निकलवाया, मैंने $50 एक्स्ट्रा भी दिए हैं इसके, बट इट वॉज वर्थ इट क्योंकि मैं बहुत वेट कर चुका हूँ, इट्स बीन ओवर एन ईयर आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। और मैं एक्चुअली जस्ट अभी आया हूँ क्योंकि ये रहा इसका बिल, मैं जस्ट अभी लेके आया हूँ और अब बिना किसी देरी के इसको अनबॉक्स किया जाए और टीवी पे खेला जाए। सो ये डिस्क वाला वेरियंट है, एज यू कैन सी यहाँ पे डिस्क का निशान बना हुआ है। तो PS5 में 2 वेरियंट आते हैं, 1 इज डिजिटल ओनली जिसमें तुम गेम डाउनलोड कर सकते हो बट डिस्क नहीं डाल सकते, बट दिस इज द डिस्क वेरियंट। डिस्क वेरियंट इसलिए सही है क्योंकि भाई कोई रीजन नहीं है भाई इसका, क्योंकि शुरू से डिस्क पे खेलने आया था तो डिस्क वेरियंट इज बेटर फॉर मी। एंड इसमें हाँ एक बेनिफिट ये है कि जो PS4 की गेम्स है हमारी वो सारी हम इसमें यूज कर सकते हैं, कॉज इट इज बैकवर्ड कंपैटिबल। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो जो मेरी सारी गेम्स थी वो वेस्ट जाने वाली है, दे आर ऑल इंटैक्ट, इसमें यूज भी होंगी। और भाई काफी काफी भारी डब्बा है ये, अब इसको अनबॉक्स करते हैं और बिना किसी देरी के चालू करते हैं। एंड वन मोर थिंग रूम की, तो भाई रूम प्लीज नोटिस मत करना, मेरे को इतना भी टाइम नहीं था कि मैं आके रूम ठीक कर दूं क्योंकि आई वॉज सुपर एक्साइटेड। तो जूते भी नहीं उतारे मैंने, अब सीधा इसको अनबॉक्स किया जाए और बस खेला जाए। तो भाई ये जो PS5 है दैट इज स्पॉन्सर्ड एंटायरली बाय आर यूट्यूब इनकम, तो हमने इसमें एसेस को एक्सपेंडिचर नहीं किया है क्योंकि पहली बार तो लेना था, घर में होना चाहिए, बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं। एंड ये वैसे 750 का पड़ता है, $749, काफी सस्ता है वैसे इंडिया से अगर तुम कंपेयर करो तो, बट आई पेड 800 फॉर इट क्योंकि $50 ये इसके मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ा क्योंकि ये काइंड ऑफ ब्लैक में तो नहीं बट अंदर से निकलवाया इसलिए थोड़ा महंगा पड़ा, प्लस इसके मैंने कंट्रोलर एक एक्स्ट्रा लिया उसका पैसा अलग, एक गेम एक्चुअली उसका पैसा था, तो सारा मिला के कुछ मे बी $1,000 तो, बट ठीक है यार 800 का कंसोल आ गया, 100 का एक कंट्रोलर आ गया, 100 की एक गेम आ गई, सो दैट इज ऑल गुड, चालू करते हैं भाई। बात यह है कि इसको खोला कहाँ जाए, खोल तो मैं यहाँ दूंगा बट आई वांट टू कैप्चर इन दिस वीडियो एज वेल। तो भाई या तो इस टेबल पे करा जाए या उस टेबल पे करा जाए, कहाँ किया जाए या फिर इस जमीन पे कर दिया जाए। तो भाई यही होगी अनबॉक्सिंग क्योंकि और कुछ जगह ऐसा रूम में खाली नहीं है, बहुत खिलारा पड़ा हुआ है, यहीं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिड खोली जाए इसकी और स्टॉक देखा जाए क्योंकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग देखी नहीं है, सो लेट्स सी हाउ दिस गोज माइट, वेरी एक्साइटेड। सबसे पहले इसको खोल के भाई सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है ये पावर केबल है, कंट्रोलर पड़ा हुआ है और ये नॉर्मल आई गेस इट्स जस्ट पेपर वर्क, इसकी नीड नहीं है, बहुत प्रो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो या इसके अंदर खोल के ये तो स्टैंड लग रहा है भाई, आजा भाई बाहर। तो ये इसका स्टैंड है क्योंकि जो PS5 है बेसिकली वो वर्टिकल खड़ा रहता है, बट अगर तुम्हें उसको लिटा के रखना लाइक हॉरिजॉन्टली तो तुम इस स्टैंड का यूज कर सकते हो। सो विल सी ये कहाँ लगता है बाद में। ये है HDMI केबल अपने पास, लेकिन इससे बेटर HDMI केबल पड़ी है तो ये यूज नहीं करेंगे, ये पावर केबल दिखा चुका हूँ। ये है भाई कंट्रोलर,
देखते हैं इसकी फील कैसी है। भाई प्रीमियम लग रहा है बहुत ज़्यादा। और यूजुअली जो पीएस आज तक जितने भी आए हैं प्लेस्टेशन वो सारे ब्लैक आते थे। दिस इज द फर्स्ट प्लेस्टेशन टू एक्चुअली कम आउट वाइट एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग प्रीटी गुड क्योंकि पूरी मैट फिनिश है, सोनी एम्बॉसमेंट भाई। और इसमें हाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि पुराने वाले PS4 में PS3 में सिर्फ USB पोर्ट होता था, इसमें USB-C पोर्ट है, फास्ट चार्जिंग एंड बहुत कुछ देखते हैं। बाकी ये टच पैड है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो कंट्रोलर भी रखा जाए साइड में। इस गत्ते में कुछ नहीं बचा, इसको निकाल दिया जाए। अरे निकाल अरे भाई अब है अपने अंदर मेन स्टॉक जो कि PlayStation 5 है। तो इसको आई थिंक मेरे को दो हाथ चाहिए होंगे, सो गिव मी 2 seconds, आई विल बी राइट बैक। तो ये PlayStation मैंने इसके जो एग शेल्स होते हैं उसमें से निकाल दिए और यहाँ ये खड़ा है अपना भाई। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, आई नो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सो जस्ट ट्राई टू कोप अप विद मी। इसमें भी पूरी मैट फिनिश है एज यू कैन सी। ये इसका डिस्क स्लॉट है, यहाँ पे इसके एक्सटर्नल हीट निकालने की वो है। और एक्चुअली अभी स्विच ऑफ है तो इतना सही नहीं लग रहा, बट एक्चुअली जब इसको ऑन करेंगे हम तो इसमें यहाँ पे ब्लू लाइट्स जलती हैं, विच इज़ अगेन वेरी स्लीक, बहुत स्लीक डिज़ाइन है। बट मैं आई डोंट थिंक मैं इसको खड़ा रखने वाला हूँ, आई विल कीप इट ऑन इट्स साइड। इसमें लाइट जलती है कि नहीं भाई पता नहीं, बट देखा जाएगा। इट्स लाइक अ हॉलो कैविटी है तो इट्स अ 3D एम्बॉक्समेंट। तो बिना किसी देरी के इसको प्लग इन किया जाए। तो भाई जो तुम्हें मैंने स्टैंड सा दिखाया था वो मैंने इसके नीचे रख दिया, सो दैट नाउ इट कैन हॉरिजॉन्टली स्टे अप, क्योंकि मैं इसको सीधा खड़ा नहीं रखना चाहता, सो दैट्स व्हाई इट्स गोना बी हॉरिजॉन्टल नाउ। सो भाई मेरे को रियली आइडिया नहीं था कि मैं आज की डेट से पुरानी वीडियो को कैसे कनेक्ट करूंगा, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। ठीक है तो पुरानी वीडियो है, एंड इफ यू गाइस वांट, वैसे ऑब्वियसली दिस नॉट अ गेमिंग चैनल सो आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, बट इफ यू नीड द गेम प्ले वीडियो तो मेरे को बताना, क्योंकि मैंने आई थिंक 2, 3, 4, 5, 6 या 7 गेम्स ली थी। ठीक है एंड आई ट्राइड ऑन माई टीवी, एंड क्योंकि हमारा टीवी भी नया है, 4K डिस्प्ले, 200 FPS, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें गेमिंग रियली स्मूथ थी। तो अगर मैं स्क्रीन कैप्चर करूँ तो आई थिंक आई विल बी एबल टू शो यू गाइस, बट दिस वीडियो वाज ओनली फॉर द अनबॉक्सिंग। ठीक है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस मोमेंट पे, आज भी एक्साइटेड हूँ, बट द थिंग इज कि वीडियो मैं डालना भूल गया, आई डोंट नो हाउ, एंड वीडियो मिसप्लेस हो गई थी, बट लकीली इट वॉज ऑन माय लैपटॉप। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे और वीडियोज़ के साथ। कोई नई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, एंड अगेन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।